नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बचपन से हम सब स्कूल में एक नारा लगाया करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और इस भाई भाई का जो नारा है वो लगाते हुए हम सब ये सोचा भी करते थे कि कब ये साकार होगा समाज में, क्योंकि कई बार बहुत द्वंद और संघर्ष एक दूसरे धर्म के बीच देखने में आता रहता था। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि सभी धर्म और मजहब के लोग एक होकर के रहें, आपस में प्रेम, शांति, एकता और भाईचारे का संदेश देता हुआ ये विश्वविद्यालय लगातार नए कार्यक्रम करता रहता है, अलग अलग सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है। ऐसे ही एक सम्मेलन का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स में किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों का आना हुआ। उन्हीं में से आज हमारे बीच हैं श्री अब्दुल लतीफ जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के। आइए उनका स्वागत करते हैं और एक मुलाकात में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लतीफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जानकारी में ये बात आई कि आप पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ चुके हैं, दो वर्ष पहले भी, तो तब का अनुभव और अब पुनः जब आए हैं तो अब का अनुभव कैसा लग रहा है? आप काफी फर्क नजर आया जी। पहले जब आप आए थे तो कैसा लगा? पहले जब हम आए थे तो एक तो ये था कि बहुत कम ही समय में मैं उसकी स्टडी भी नहीं कर पाया था जिनके जरिए से आया था मैं, तो यहाँ आने के बाद देखा तो हमको बहुत खुशी, अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसी किताबें या ऐसी चीज़ नहीं पढ़ के ले गया यहाँ हासिल करके, लेकिन चूंकि जब मुझे वक्त मिला इसमें 3 साल का, तो कुछ किताबें हमने ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी की देखी, मैगजीन्स देखे, उसके अंदर उसकी वजह से मुझे और थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। फिर इत्तेफाक से मेरा 3 साल बाद फिर आना भी हो गया 2 साल बाद। तो अभी इस बार कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तो आने के बाद मुझे बिल्कुल बड़ी खुशी हुई यहाँ की पाकिजगी, यहाँ की पवित्रता और इस ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी की जो एक तरह से मैसेज है, संदेश है, वो बहुत ही बेहतर है और हम सबको उसे नसीहत हासिल करके ले जाना चाहिए। जी जी जी। विशेष करके यहाँ जो एक बात मैंने कही आपको, सर्वधर्म संभाव की जो बात है हमेशा से ही हर एक इंसान के जेहन में रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक चाहता है कि आपस में प्रेम हो, शांति हो, सद्भावना हो। तो यहाँ आने के बाद इस विषय पे क्या आप लोगों की कोई चर्चा हुई और क्या विशेष करके इसका निष्कर्ष निकला? देखिए, ये जो भारत देश है ये सर्वधर्म संगम देश है और यहाँ पर सारे धर्म के लोग आपसी भाईचारगी, अमन शांति की तरह रहते हैं, अमन शांति का पैगाम ही देते हैं। और ब्रह्मा कुमार यूनिवर्सिटी का जो एक तरह से संदेश है वो अमन शांति का ही है ही है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले ओम शांति के नाम से शुरुआत करते हैं जी। शुरू ओम शांति से ही करते हैं। तो जब शांति अमन आ जाएगा तो सारे सुधार आ जाएंगे। और इस बार जो महापरिवर्तन का जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हम तो देखते हैं कि जिस तरह से लोग प्रोग्राम में सुन रहे हैं बड़े ही संजीदगी से, तो इसका कुछ मैसेज बेहतर जाएगा और संदेश भी बेहतर जाएगा और सुधार होगा इसका। बिल्कुल। तो किस प्रकार की चर्चाएं हुई? क्योंकि पूरे भारतवर्ष से मैंने सुना है कि हर एक धर्म को मानने वाले, उनके प्रतिनिधि, उनके अनुयायी सभी आए हुए हैं, चाहे वो जैनिज्म को मानने वाले हैं, हिंदुइज्म को मानने वाले हैं, सभी लोग आए हुए हैं। तो आपस में बैठ करके किस प्रकार की आप लोगों की चर्चा हो रही है कि किस प्रकार धार्मिक संभाव को लाया जा सकता है? सारे धर्म के जिम्मेदारान और जनरल लोग बैठ के इससे विचार करें, तो हमारे देश में जो इस तरह से करप्शन है और ये जो झगड़े फसाद होते हैं, इस पे कंट्रोल कैसे हो? तो ये ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी से एक मैसेज जाएगा। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग आपस में बैठ के मशवरा करें, विचार विमर्श करें कि इसका जो मैसेज बेहतर जाएगा, आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा ना करें और यूनाइट होकर के इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर सोच हम लोगों की हो। मुल्क हमारा भारत देश वो सबसे महान देश है, सर्वधर्म संगम देश है, तो इसका मैसेज पूरे फॉरेन कंट्री में जाए जो वो बेहतर सब बने। जी जी जी। क्योंकि ये बात विशेष हमेशा आती है लतीफ जी कि हम धर्म की बात बाद में रखें, पहले हम सब भारतीय हैं और इस धर्म को, इस मानवता के धर्म को या इस भारतीयता के धर्म को लेकर के चलें, तभी हम देश को विकसित कर पाएंगे या सर्वोच्च शिखर पर ले जा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इसके लिए हर एक धर्म के जो लोग हैं कैसे भारतीयता की भावना, कैसे राष्ट्रीयता की भावना हर एक के अंदर आए? धर्म मजहब तो खैर बहुत बाद की चीज है, पहले हम सब भारतीय हैं, देश के लिए हमारा एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बन जाती है। इस भावना को कैसे लोगों के अंदर जागृत किया जाए आपके विचार से? ज्यादातर तो लोग अभी तो एक तरह से प्रतिनिधि इसके जिम्मेदारान आए हैं, वो फिर जाके अपने शहरों में, अपने कस्बों में इसका मैसेज देंगे कि हम ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पर इस तरह के प्रोग्राम हुए, दीदी से और बहनों से और भाइयों से ब्रह्मा कुमार लोगों से सुना, अपना भारत देश
कैसे तरक्की करेंगे, सुधार होगा, वो शुरुआत हो जाएगी। जी जी, आप यहाँ से क्या विशेष लेकर के ऐसा जा रहे हैं लतीफ जी, जो आपको लगा कि इसकी सचमुच सभी को आवश्यकता है? तो आपके साथ भी काफ़ी सारे हमारे मुस्लिम भाई बहनें जुड़े हुए हैं, आपकी बातों को, विचारों को सुनते हैं, तो यहाँ की जो आपको सबसे खूबसूरत सी बात लगी हुई हो, जिसकी आवश्यकता सभी को है, जो अच्छी चीज़ें हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में भी लाना चाहिए, कौन सी चीज़ आप सबको बांटना चाहेंगे हंस जाने के बाद? हम यहाँ से सबसे बड़ा जो खास चीज़ अमन शांति का पैगाम यहाँ से लेके जाएंगे और अमन शांति के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर अमन शांति ही सबसे बेहतर चीज है। जब अमन शांति आ जाएगी तो सारी चीजों के रास्ते आसान हो जाएंगे। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो कई बार कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो धार्मिक कट्टरता को ज्यादा महत्व देते हैं और इसके कारण ये जो शांति अमन वाली बात है कई बार टूटती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज में कैसे सुधार लाया जाए, क्योंकि ज्यादातर मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि 95% से भी ज्यादा सभी धर्मों में ऐसे लोग हैं जो शांति और अमन को पसंद करते हैं, भाईचारे को पसंद करते हैं, लेकिन शायद 5% ऐसे लोग हो सकते हैं सभी धर्मों में जो बहुत कट्टरता से अपने धर्म की बातों को रखना चाहते हैं या कई बार थोपना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर जो 95% लोग हैं उन्हें भी झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है और कई बार वो भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये जो 5% ऐसे लोग हैं उनके अंदर कैसे एक सुंदर विचार लाया जाए कि नहीं, सभी धर्म सभी मजहब अपने अपने स्थानों पे बहुत श्रेष्ठ हैं और सभी को अपनी भावना के अनुसार कार्य करने दिया जाए, इस भावना को कैसे लाया जाए आपके विचार से? सबसे बड़ी बात आपने कही कट्टरता, तो कट्टरता तो एक तरह से रिएक्शन करती है जी। हम जो 95% हैं उनको उस उनकी बात पे नहीं आना चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। कट्टरता नाम की चीज़ कोई नहीं है। हम सब बिल्कुल अमन शांति और एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेने वाले हैं। तो जो 95 जो लोग हैं ये कट्टरता को नहीं मानते, नहीं पसंद करते, मानते हैं मजबूरी उनके सामने है। एक वक्त ऐसा आएगा कि कट्टरता नाम की चीज नहीं रह जाएगी, और जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो सब हर चीज आसान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इसकी विशेष आवश्यकता है। जी जी, और इसकी विशेष आवश्यकता है, तो ये आपके जो ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय है इसका संदेश जाता रहेगा, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये कट्टरता दूर हो जाएगी। जी जी, इसीलिए जो आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस सारे धर्म के जो जिम्मेदारान हैं, गुरु धर्म गुरु वगैरह, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और उनको भी जो प्रोग्राम में जाते हैं तो उनको भी एक तरह से जब प्रोग्राम सुनते हैं तो एक अजीब सा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से हम कोई गलती करते हैं और यहाँ पे उसका क्वेश्चन हो रहा है। जी जी जी, तो सुधार आम तौर पे लतीफ जी ऐसा देखा जाता है कि जब कभी हम ऐसे धार्मिक सम्मेलनों में जहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं तो वहाँ तो बहुत प्रेम भाईचारे और सद्भावना की बातें होती, बहुत शांतिपूर्ण हमारी बातें होती हैं, लेकिन जब हम अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, अपने अपने जो धर्म के संप्रदाय के लोग हैं उनके साथ मिलते हैं तो शायद बातें कुछ और हो जाती हैं। सही है, तो ये वाली जो चीजें हैं यहीं तक सीमित रह जाती हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, ये कैसे जन जन तक पहुंचे? जैसे आपने कहा कि हर एक धर्म के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, बाकी सभी तो नहीं आए हैं, तो कैसे यहाँ की इस खुशबू को, इस शांति को, इस अमन को, इस भाईचारे की भावना को वहां भी सौंपा जाए सभी को, ताकि उनके मन में भी सभी धर्म के लिए एक प्रेम की भावना जागृत हो। अब देखिए ऐसा, अब शुरुआत तो हो गई है इस विश्वविद्यालय से, और जो प्रतिनिधि आए हैं और सारे धर्म के धर्मगुरु जिम्मेदारान आए हैं, वो जाके अपने लोगों में मैसेज देंगे कि नहीं भाई, हम लोग तो अमन शांति चाहते हैं और आपसी भाईचारगी, वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम कराएंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा कि धार्मिक संभाव की बात हो, कि आप वहाँ जाते हैं तो किसी और को भी अपने पास बुलाएं, तो सभी धर्म के लोग यदि आपस में मिलते जुलते रहेंगे तो लगता है जो एक विचार है जहां से मैंने शुरुआत की थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसा एक सुंदर माहौल बन जाएगा। क्या आपको लगता है लतीफ जी कि बहुत जल्दी हम एक ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जहां ऐसी सुंदर धार्मिक संभावना दिखाई देगी? क्या इसकी संभावना आपको दिखाई देती? बिल्कुल, है बिल्कुल संभावना, ये बहुत जल्दी उसका समय आने वाला है जो कि न्यू जनरेशन जो है वो इसका शिकार नहीं होगी। वो जानती है इस परेशानी के जद में आएंगे तो फिर हम नुकसान उठाएंगे। जैसे कुछ सालों से हम तो रहने वाले अयोध्या के हैं और मठ मंदिर संतों महंतों के साथ मेरा उठना बैठना रहता, आना जाना, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, जी। हम जाते हैं, उनसे आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं, वो मुझे भी सम्मान की नजर से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने कहा तो ये आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगा। जैसे आप हैं तो न्यू जनरेशन लोग इसका शिकार नहीं होंगे, मुल्क कैसे तरक्की करे और ये सारी जो एक मर्ज है ये एक तरह से कट्टरता का खत्म हो, उस पर काफी गौर हो रहा है और एक समय आएगा वो खत्म हो जाएगा। जी जी जी, चलिए इंशाल्लाह हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी एक ऐसा दौर आए जहाँ की एक ऐसा सुंदर
पवित्र और आपस में एकता भरा माहौल देखने में आए। विशेष करके एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा लतीफ जी, जब कभी भी एक धर्म की बात आती है तो इतिहास गवाह है कि जितने भी ज्यादा युद्ध हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पे ही हुए हैं। तो ये धर्म के नाम पे जो युद्ध है वैसे तो लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन विशेष करके देखा जाए इतिहास में तो ये बात देखने में आती है। भविष्य में ऐसा ना हो, सभी धर्म के लोग ऐसा क्या करें कि भविष्य में धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़े ना हो, मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा मैं सब की इससे पहले जो धर्म के नाम पर युद्ध हुए तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर कट्टरता थी जी, तो इसलिए वो युद्ध किए। लेकिन अब कट्टरता धीरे धीरे खत्म हो रही है और सारे धर्म के लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, आपसी विचार विमर्श की कट्टरता खत्म हो जाए। और ठीक है वो हम जिस खुदा को मानने वाले और जिस मजहब के हैं जिस धर्म के तो वो माने, लेकिन कट्टरता कोई धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। सारे धर्म आपसी प्रेम भाईचारा और आपसी अमन चैन सिखाता है। तो जब ये सारी चीजें आ जाएंगी आप जैसे उम्र के लोग और इस तरह से आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है एजुकेशन जो है वो अब तो बहुत फास्ट आ रही है। तो अब सब MBA MTech जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होंगे वो इसका शिकार नहीं होंगे, वो सुधार जाएंगे, हम मेरा मुल्क कैसे तरक्की करे और मेरे फैमिली कैसे खुशहाल रहे इसकी फिक्र करेंगे, तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। जी जी, मतलब पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हम खुश रहें, हम शांत रहें, हमारे आस पास खुशहाली हो, शांति हो, शायद इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे हिंदुइज्म में है या जैनिज्म में है सभी प्रेम को, भाईचारे को, शांति को ही महत्व देते हैं। विशेष करके आप चूंकि मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं, इस धर्म के मूल में क्या है, मूल शिक्षाएं क्या हैं जो सभी जानना भी चाहेंगे हमारे दर्शक कि उस बात को भी सीख करके समझ करके अपने जीवन में ला सकें, इनकी कुछ मूल शिक्षाओं को कुरान की मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि मैं मौलाना तो नहीं हूँ, पूरी मालूमात जो है वो मौलाना हमारे यहाँ जो होते हैं मौलाना मुफ्ती वगैरह पूरी मालूमात, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बताना चलूं, किसी धर्म में कोई ऐसा नहीं सिखाता कि किसी से बैर करिए, किसी से बैर करिए, आपसी मोहब्बत और प्रेम भाईचारगी के साथ रहें, तो ये सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है। इसकी शुरुआत हो गई है, आने वाले वक्त में ये सब खत्म हो जाएगा और सब एक हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे तो उसका मैसेज भी बेहतर जाएगा और हमारा जो मुल्क है भारत देश वो तरक्की करेगा, भारत इंडिया और हिंदुस्तान जैसी बात। और किसी मुल्क को तीन नाम से नहीं पुकारा जाता। तो हमारे मुस्लिम मजहब में तीन चीजों की, जैसे आपकी मान लीजिए आपके कपड़े गंदे हो गए मिसाल के तौर पे, तो एक बार दो बार में नहीं तीन बार बिल्कुल आप सेटिस्फाई होंगे कि मेरा कपड़ा साफ हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ जब हम लोग वजू करते हैं तो तीन बार हाथ तीन बार चेहरे मुंह ये धुलते हैं तो हम पाक हो गए, तो नमाज पढ़ सकते। भारत देश को जो तीन नामों से पुकारा जाता है इसकी कोई खासियत है, विशेषता है, और सारे मुल्क एक ही नाम से पुकारा जाता है, इसलिए ये मुल्क में सारे धर्म, इसीलिए हिंदुस्तान विशेष देश है जी, जिसको तीन नामों से पुकारा जाता है। यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि कैसे यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सुंदर यहाँ की पवित्रता का अनुभव हुआ, विशेष करके यहाँ की और जो अनुभूतियां हैं, आप यहाँ की जो दादियां हैं जिन जो लंबे समय से यहाँ राज्यों का अभ्यास कर रही हैं, दादियों से जब आप मिले तो आपकी अनुभूति यहाँ पे कैसी रही? दादी से मुलाकात होकर बड़ी बड़ी खुशी हुई कि इस अवस्था में भी बहुत ही अच्छी बातें और अच्छी सोच उनकी है। दीदियों से भी मुलाकात हुई, उनका स्पीच भी मैंने सुना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर ऐसे सारी भारत की जो स्त्रियां हैं हमारी बहनें हैं और माताएं हैं और इस तरह से उनकी सोच विचार हो जाए तो फिर देश बदल जाएगा, मेरा देश सुधार हो जाएगा। इसी तरह से ब्रह्मा कुमार जो भाई लोग हमारे हैं तो वो भी अब क्या इस तरह से जैसे रामनाथ भाई हैं देश विदेशों में जाते हैं और उनका जो स्पीच होता है बहुत ही बेहतर, तो उसको सुन करके लोग वो उसमें अमल करेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आएगा। जी, बार बार एक परिवर्तन की सुंदर बात हो रही है और शायद आप लोगों की कॉन्फ्रेंस का थीम भी यही रखा गया था कि एक महापरिवर्तन लाने की अब समय के अनुसार आवश्यकता है। ये बहुत सुंदर बात आपने कही है। एक विशेष रैपिड फायर राउंड मैं हमेशा अपने मेहमानों के साथ करता हूँ, तो मैं आपके साथ भी चाहूंगा कि एक रैपिड फायर राउंड करूँ, तो एक शब्द में मैं उसका जवाब चाहूंगा या फिर एक वाक्य में आप उसका जवाब देंगे। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने ब्रह्मा कुमारीज में आने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आपको प्रेरित किया? मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया, हमारे एक ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई हैं उनके साथ में गया, उस मैगजीन से किताबें मैंने देखी और वहाँ पर प्रोग्राम में शामिल हुआ, तो मुझे लगा कि इनका जो कार्य है वो बहुत सुंदर है और मुझे वहाँ इनके विश्वविद्यालय जाना चाहिए। और जब यहाँ आया तो यहाँ देख के तो मेरा दिल ही बदल गया। ब्रह्मा कुमारीज की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? ब्रह्मा कुमारीज की एक तो उनकी पाकिजगी, उनकी खिदमत गुजारी, उनके बात करने का अंदाज
और उनके बताने का अंदाज मुझे बड़ा प्यारा लगा। ऐसी कौन सी चीज है जो बार बार आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित करती रहेगी? यहाँ की जो एक तरह से पाकिजगी, पवित्रता और एक अच्छी बातें, जो ईश्वर अल्लाह हैं तो वो सही बातें कैसे क्या बताते हैं, उस पे अमल करने की बातें बताती है, मुझे बहुत खुशी होती है। एक बात जो आप अपने जीवन में धारण करना चाहेंगे यहाँ आने के बाद? अब हम भी तो एक तरह से बताया कि अमन शांति ही सबसे बेहतर चीज़ है, और जब हर इंसान के साथ अमन शांति आ जाएगी, शांति, तो वो इंसान बेहतर इंसान बन जाएगा जी। तो उसको फिर और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं आएगी। बिल्कुल। और वो एक चीज़ जो आप यहाँ से जाने के पश्चात अपने सब भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, वो यहाँ से जाने के बाद मैं मैसेज दूंगा कि मैं वहाँ गया था यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये चीज़ें मुझे, मैं नसीहत लेके आया हूँ, उस पर आप लोग भी गौर करें, और इस पर गौर करने के बाद उस पर आप लोग जो है वो अमल करें। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब मैं एक एक शब्द आपको देने वाला हूँ लतीफ जी, जैसे ही आपके मन में जो पहला विचार आए आप उसे एक शब्द में या एक वाक्य में जरूर कहिएगा। जी, इंसान जिसके अंदर अमन शांति का पैगाम देने वाला दिल उसके अंदर है। जन्नत जी, जन्नत शब्द से आपको क्या ख्याल आता है? जन्नत तो सबसे बेहतर नाम है, और वो उसी को नसीब होता है जो उसके कर्म बेहतर होंगे, उसी को जन्नत मिलेगी। अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मेरी इबादत, मेरी पूजा बेहतर होगी तो उसके बाद मुझे जन्नत मिलेगी। ऐसे जन्नत इतनी आसान चीज़ नहीं है कि जन्नत मिल जाए। कुरान, कुरान ये आसमानी किताब है, और जो अल्लाह ने मोहम्मद साहब पे नाजिल की है, तो कुरान मुकद्दस जो है वो हमारी पवित्र किताब है, आसमानी किताब है। हमारे मुस्लिम धर्म के गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हमारे अयोध्या में तो गैर मुस्लिम लोगों ने मुझसे कहा कुरान शरीफ मुझे दीजिए, और वो मैं समझता हूँ कुछ लोगों के पास भी है, भी साधु संतों के पास वो पढ़ते भी हैं जी। भगवद गीता, हाँ वो भी है। इसका सुनते ही आपके मन में क्या विचार आते हैं? गीता रामायण में जो लिखा हुआ है वो चीजें मुझे मालूमात तो पहले से थी, जो चीज नहीं मालूम हुई उसको मैंने स्टडी की। भारत, हाँ भारत तो सबसे बेहतर है। सारी जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? ब्रह्मा कुमारी का तो मिसाल ही नहीं है, जो अंजाम दे रही है बहुत बेहतर है, पूरे वर्ल्ड में इसका मैसेज जो जाएगा जा रहा है वो बहुत बेहतर जा रहा है। बताया कि आने वाले वक्त में बिल्कुल चेंजिंग, परिवर्तन आ जाएगा। धर्म, सारे धर्म के लोग फिर सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है, इनकी विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है। दादी जान के जी, दादी जान इस उम्र में, इस अवस्था में बड़ी अच्छी बात, बड़ी प्यारी बात और नसीहत की बात बताती है। अभी स्पेशली हमारी मुलाकात हुई उनसे, हम लोगों की तो मिलकर बड़ी खुशी हुई, बल्कि मुझे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और मुझे राखी भी बांधी। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि दादी जी ने आपको राखी बांधी। तो अंत में मैं आपसे ये चाहूँगा कि सभी धर्म के जो लोग हैं उन्हें यदि आप कोई पैगाम देना चाहें आज इस मंच से, तो आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो यही देंगे कि अमन शांति, इसका सबसे पहला जो शुरुआत होती है ओम शांति, पैगाम दे देंगे और लोग उस पर अमल करेंगे तो फिर वो सारे मामले ही बेहतर हो जाएंगे, हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये संसार जन्नत बन जाएगा जी। और भी ये जो भारत देश, इसको सोने की चिड़िया कहा गया है जी, हम सबका भारत देश तो बड़ा प्यारा देश, सबसे उत्तम देश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम तो चाहेंगे कि आप बारंबार, दूसरी बार आप आए हैं लेकिन बारंबार आए, और भी हमारे जो भाई बहने हैं मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए उन सबको भी यहाँ लाएं, ताकि जल्दी से जल्दी हम सब धर्म के लोग मिलकर इस भारतवर्ष को जन्नत बना सकें। आप पुनः पुनः पधारें यहाँ आने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, सवालात किए। हो सकता है कि मेरे कहीं आंसर में वो कमी को रह गई हो, उसके उत्तर में उसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, सुधारिएगा। और हम तो आप अभी तो आपकी उम्र कम है लेकिन सलाहियत आपके अंदर है, वो बुद्धिमानी है। हम तो भाई प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि आप और तरक्की करें और इस ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी जोड़िए, और यहाँ से बेहतर संदेश, स्वच्छ संदेश जाए पूरे वर्ल्ड में जी। तो ये काफी फायदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मित्रों, आप थे श्री अब्दुल लतीफ जी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे बीच अयोध्या से पधारे थे। बहुत सुंदर संदेश देकर हमें जा रहे हैं कि चाहे किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हम जुड़े हुए हों, लेकिन सबकी प्राथमिक आवश्यकता है प्रेम, शांति, एकता, सद्भावना और भाईचारा। यदि ये चीज़ हमारे बीच में हो तो सचमुच जीवन जीने का आनंद आता है। कोई भी धर्म नहीं चाहता कि आपस में द्वेष हो, संघर्ष हो,
बल्कि सभी प्रेम और सद्भावना ही चाहते हैं। तो क्यों ना हम सब एक होकर के रहें, जो कट्टरता है उस कट्टरता को हम छोड़ें, शांति और अमन को ज़्यादा महत्व दें, तभी हम इस संसार को जन्नत बना सकते हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं मित्रों, उन्होंने कहा, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, मौलवी को मस्जिद में राम दिखाई दे, ये दुनिया जन्नत बनेगी तब जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। कितनी गहरी बात है ना, और मूल बात है। क्यों ना हम इंसानियत के धर्म को लेकर चलें, इंसानियत को जिंदा करें और साथ ही एक दूसरे को प्रेम बांटते चलें, तो सचमुच ये संसार बहुत जल्दी जन्नत बन जाएगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा मित्रों। अगली बार एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।